हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12। हेलो एल्केन्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स की आज की आगे की टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी हासिल की थी और देखा था कि हेलो एल्केन्स को कैसे कैसे विभिन्न प्रकारों में बांटा गया था। उसी कड़ी में आज हम आगे चर्चा करेंगे, जो कि पांचवी टॉपिक होगी, यानी पांचवें प्रकार का होगा। हेलो एल्केन के प्रकार में देखा जाए तो पांचवें जो पॉइंट्स है वो है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड की अगर हम बात करें तो एरिल हैलाइड ऐसे हेलो एल्केन होते हैं जिसमें हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें sp2 संकरण पाया जाता हो। कहने का मतलब कि कोई भी आप हेलो एल्केन लेंगे, उसमें यदि हेलोजन हमारा बेंजीन रिंग से उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यानी बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग में जो कार्बन हो उस कार्बन से जुड़ा हो जिस पे हमारा sp2 संकरण हो। तो देखा जाए बेंजीन रिंग है ये। अब इस बेंजीन रिंग में ये कार्बन है और इस कार्बन से सीधे हेलोजन परमाणु जुड़ा है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड कहेंगे। एक बार पुनः परिभाषा देखा जाए तो ऐसे मोनो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन्स जिसमें हेलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा हो और वह हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जिस पे हमारा क्या हो, sp2 संकरण पाया जाता है। ठीक, क्लियर। अब अगले टॉपिक की बात करें, अगले जो प्रकार है मोनो हेलो एल्केन का, वाइनिलिक हैलाइड। तो वाइनिलिक हैलाइड की बात करेंगे, यानी इसमें देखेंगे हम कि ऐसे हेलो एल्केन्स जो एलिफैटिक हो, क्या हो, एलिफैटिक हो। इससे पहले हम लोगों ने देखा था वो एरोमेटिक था, इसमें हम देखेंगे एलिफैटिक होगा। क्या होगा, एलिफैटिक, यानी ऐसे हेलो एल्केन्स एलिफैटिक कार्बन युक्त रहेंगे जिसमें हमारा sp2 संकरण होगा और उस sp2 संकरण कार्बन युक्त भाग से हमारा क्या जुड़ा रहेगा, हेलोजन परमाणु। फिर से, ऐसे हेलो एल्केन्स जिसमें हेलोजन परमाणु सीधे उस कार्बन से जुड़ा रहेगा जिस पर sp2 संकरण होगा और इसमें जो चेन होगी हमारी वो खुली रहेगी, सीधे सीधे खुली रहेगी और उसी चेन से हमारा हेलोजन परमाणु जुड़े रहेगा जिस पर sp2 संकरण पाया जाता होगा। देखा जाए यहाँ पे तो CH2 डबल बॉन्ड CH और उससे हमारा क्या जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है। तो इस तरीके से इस कार्बन पे हमारा क्या है, sp2 संकरण है, जिसके कारण इसको हम क्या कहेंगे, वाइनली हैलाइड। इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में हमारा जो एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड होता है उसमें हमारी बेंजीन होती है और उस बेंजीन से हमारा हेलोजन जुड़ा होता है, उस पे भी sp2 संकरण होता है। और वाइनली हैलाइड की बात करेंगे तो वाइनली हैलाइड में एलिफैटिक हेलो एल्केन्स होगा और उस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा जिसपे हमारा sp2 संकरण पाया जाता है। ठीक, क्लियर। अब हम बात करेंगे मोनो हेलो एल्केन के नामकरण की। तो मोनो हेलो एल्केन के नामकरण की जब हम बात करेंगे तो हम जानते हैं, पूर्व की कक्षाओं में हमने आपको बताया कि कोई भी यौगिक होगा, चाहे वो हेलोजन युक्त हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, अल्कोहल हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, मतलब कोई भी आपका कार्बनिक यौगिक होगा, उसका जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण हमने आपको दो प्रकार से बताया, एक साधारण नाम बताया और एक IUPAC नाम बताया। तो जब हम साधारण नाम की बात करेंगे तो साधारण नाम में हमारा जो है कॉमन नेम, यानी साधारण नेम, साधारण नाम होता है और IUPAC नाम आता है। तो साधारण नाम में जब भी हम हेलो एल्केन की बात करेंगे तो साधारण नाम में हम उसको कहेंगे एल्किल हैलाइड, चाहे नंबर ऑफ कार्बन कुछ भी हो, नंबर
मरा कार्बन कुछ भी हो उसको आप कहेंगे एल्की हैलाइड, और यदि वो रिंग बेंजीन की है अर्थात रिंग फॉर्म में है, चेन जो कार्बनिक यौगिक की वो रिंग फॉर्म में है तो उसको आप एरिल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड कहेंगे। अब हम अगर एलिफैटिक हेलोएल्केन की बात करते हैं तो एलिफैटिक हेलोएल्केन में एक तो सीधी सीधी चेन होती है, साधारणतः होती है, तो जब आपको सीधी सीधी चेन प्राप्त होती है तो उसको आप कहेंगे यन। यन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल होता है, ठीक। नॉर्मल में हम देखें तो जो भी हमारी चेन होगी वो तो सीधे सीधे होगी, CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे करके सीधे सीधे चेन होती है, तो इसको आप कहेंगे नॉर्मल चेन। अब इसमें आप एक हाइड्रोजन को कम करके यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 चार कार्बन क्या कहते हैं? ब्यूटिल। क्या कहते हैं? ब्यूटिल या ब्यूट कहते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है तो ब्यूटिल हो जाएगा, तो ब्यूटिल और हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो हेलो ब्यूटिल कहेंगे या फिर ब्यूटिल हैलाइड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूटिल हैलाइड कहेंगे। अब आइसो की बात करें तो आइसो की जब हम बात करेंगे तो इसमें आप जानते हैं कि एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े होते हैं, एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े होते हैं और उनमें से किसी में भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकता है, तो ऐसे को आप आइसोफॉर्म कहते हैं। यानी इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना इसकी ऐसे होती है। तो ये हमारा आइसोफॉर्म हो गया। अब इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4 तो चार चार को आप ब्यूट कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन कम है तो ब्यूटिल हो जाएगा, हैलोजन है हैलाइड हो जाएगा, तो ब्यूटिल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल हैलाइड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार की जब बात हम करेंगे नियो की, तो नियो में हमने आपको बताया है कि जब एक कार्बन से चार अन्य कार्बन जुड़े होते हैं तो उसको हम नियोफॉर्म कहते हैं, जब एक कार्बन से चार अन्य कार्बन जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नियोफॉर्म कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल CH3 CH3 CH2 X CH3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन क्या करते हैं? पेंट कहते हैं, हैलोजन जुड़ा है हैलाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पेंटिल हैलाइड। क्या हो जाएगा? पेंटिल हैलाइड हो जाएगा, पेंटिल हैलाइड। तो ये तो रहे हमारे कौन से ने? कॉमन, जिसको हम कहें एल्किल हैलाइड। क्या कहें? एल्किल हैलाइड। अब हम बात करेंगे IUPAC की, तो IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जब हम IUPAC की बात करेंगे तो उसमें हमने आपको बता रखा है कि IUPAC नाम बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसको हमने आपको पूरी की कक्षाओं में बताया है। यहाँ पर आप सीधे सीधे ये जानिए कि जब भी हमको किसी भी कार्बनिक यौगिक का, किसी भी हैलोजन डेरिवेटिव्स का अगर हमको IUPAC नाम बनाना होगा तो हमको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। वह बात ये है कि जैसे जो हैलोजन होता है, हैलोजन परमाणु उधर से काउंटिंग करते हैं जैसे नज़दीक होता है, या फिर कोई डबल बांड जुड़ा हो उधर से काउंट करिए, उस छोर से काउंट करिए जिधर से डबल बांड नज़दीक पड़ता हो, कोई भी अगर समूह होता है चेन में जुड़ा है तो आप उस तरफ से ही काउंटिंग करेंगे जिधर से वो नज़दीक पड़ता है। तो देखें IUPAC नेम ऑफ हेलो एल्केन, तो उसमें हम देखेंगे आइसोफॉर्म होगा, नियोफॉर्म होगा और इसके बाद नॉर्मल होगा। तो कैसे हम उसका IUPAC नेम बनाते हैं तो आइए देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सामान्य चेन की, यानी सीधी सीधी चेन की। तो सीधी सीधी चेन में हमने आपको बताया कि यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि CH2 का अंतर पाया जाता है और वो सीधी चेन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल चेन कहते हैं। अब उस नॉर्मल चेन में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसको हम हेलो एल्केन कहते हैं। तो अब सीधे सीधे यहाँ पर देखिए CH3 CH2 Br, तो इसमें हम देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है? दो, तो दो कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ कहते हैं।
एक हाइड्रोजन कम है एथिल हो जाएगा, बी आ रहा है तो ब्रोमो एथिल भी कर सकते हैं, तो ब्रोमो एथिल ये आपका क्या होगा, साधारण नाम होगा। लेकिन जब आईपीसी नाम बनाएंगे तो इसको आप लिखेंगे ब्रोमो एथेन, क्या लिखेंगे, ब्रोमो एथेन। अगला देखिए एग्जांपल, इसमें लिखा है एक दो तीन चार, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, चार, तो चार कार्बन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं, एथेन कहते हैं, ब्यूटिल या ब्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो अब देखा एक दो तीन चार हो गया, अब काउंटिंग आप यहाँ से करेंगे नहीं, काउंटिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन आपका पहले कार्बन पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, वन आयोडो, इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन चार, चार कार्बन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्यूटेन, वन आयोडो ब्यूटेन कहेंगे। अब अगला देखिए, ये दोनों आपका नॉर्मल चेन थे, एन फॉर्म था, अब ये आइसोफॉर्म है, तो आइसोफॉर्म में देखिए एक दो तीन चार, इसमें भी चार कार्बन आयोडीन लगा है, तो काउंटिंग कहाँ से होगी, काउंटिंग यहीं से होगी, तब ये जगह एक दो तीन, एक को आप ग्रुप मानेंगे, एक कार्बन को आप क्या मानेंगे, ग्रुप मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन, तो दूसरे पर आपका है सी एस थ्री, तो आप लिखेंगे क्या, टू मेथिल, टू मेथिल हो गया, तीन कार्बन को, तीन कार्बन है उससे पहले आयोडो है, टू मेथिल वन आयोडो, उसके बाद तीन कार्बन को प्रोपेन, टू मेथिल वन आयोडो प्रोपेन, क्लियर। आगे देखिए, वैसे ही अगला बनाएंगे आप, एक दो तीन चार पाँच, टोटल कार्बन पाँच हो गए, बट इसमें जब जैसे इसको उस पर आया आपने इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, तो ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर, तो ये लिखेंगे आप थ्री मेथिल, थ्री मेथिल हो गया, अब इसके बाद वन ब्रोमो हो जाएगा, इसके बाद चार कार्बन, चार कार्बन क्या कहेंगे, ब्यूट, इंक्लूड देंगे, ब्यूट नहीं देंगे। अगला देखिए, नियो फॉर्म है, तो एक दो तीन, नंबर ऑफ कार्बन तीन, ऊपर नीचे ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो जाएगा टू टू डाई मेथिल, तीन कार्बन क्या कहेंगे, प्रोपेन, और इसके बाद पहले पे लगा है क्लोरीन, वन क्लोरो भी कर सकते हैं, या आप इसको पहले लिख लीजिए बाद में इसको लिखिएगा, या इसको लिख करके इसको लिखिए बाद में इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, इसमें भी वही उसी तरीके से एक दो तीन चार, चार कार्बन हो जाएगा, चेन हो जाएगा और ऊपर नीचे ग्रुप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक दो तीन, यहाँ पे आप लिखेंगे थ्री थ्री डाई मेथिल, थ्री थ्री डाई मेथिल, इसके बाद वन क्लोरो, चार कार्बन ब्यूटेन, ब्यूटेन लगा दीजिए, ब्यूटेन, ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से एलिफैटिक हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नाम बनाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप चाहें तो किताब में दिया होगा उसको आप देख करके लगा सकते हैं, बट इतना जो आपके लिए, ठीक।